सर, फिट इंडिया में आज आप हैं, तो सबसे पहले फिट के जो मायने हैं, आज आप यहाँ पर आए हैं, आइकॉन बन गए, क्या यूथ को मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सब यूथ को, ना सिर्फ यूथ को बट यंगर जनरेशन, ओल्डर जनरेशन को ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो फिटनेस की जर्नी है उसकी शुरुआत और उसका अंत का समय तय नहीं होता, आप कभी भी कर सकते हैं। मेरा 8 साल का बेटा है, उसको मैं रोज़ जॉगिंग के लिए लेके जाता हूँ, क्रिकेट खिलाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज से उसके अंदर फिटनेस आए। मैं अपने पेरेंट्स को हमेशा बोलता था कि चलिए विल गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, तो उसकी फिटनेस की ना जो जर्नी है, जो सफ़र है, कभी ख़त्म नहीं होगा, हमें पूरी ज़िंदगी ज़िंदगी करना है। हम 1 घंटा जिम मार के ये नहीं बोल सकते कि मैंने अपना काम कर दिया फिटनेस का और बाकी 23 घंटे मैं जो मर्जी चाहूँगा वो करूँगा। आई थिंक वो 23 घंटे में जो आप करते हो वो आपकी फ़िटनेस है, आप सही खाते हो, टाइम पे सोते हो, टाइम पे उठते हो। सो आई थिंक फिटनेस एक ऐसी क्लॉक है, एक ऐसी घड़ी है जो 24 घंटे चलती है और जिसको 24 घंटे आपको चलते रहना इम्पोर्टेंट है। सर, एक्टर्स को कितना मतलब जो शेड्यूल आपका रहता है एक्टर्स के लिए अपने आप को फिट रखना? जी, क्योंकि अगर हम सलमान को देखें, अमिताभ सर को देखें, आज तक फिट है जी, तो कितना मतलब आप इनको फॉलो करते हैं और कितना इंस्पायर्ड है इन सब चीज़ों? देखिए, आज हर किसी को फिट रहना है और एक्टर्स को तो ज़रूरी रहना है फिट। अगर आप फिट नहीं रहेंगे तो आप कैमरे के आगे नहीं, कैमरे के पीछे दिखाई देंगे। सो आई थिंक यू डोंट हैव एनी ऑप्शन टुडे, चाहे आप इंस्पायर हो इसलिए फिट हो, चाहे आप फिटनेस को प्यार करते हो इसलिए फिट हो, या आप ज़बरदस्ती जिम जाते हो इसलिए फिट हो। मैं बड़े सारे एक्टर्स के साथ ऐसे भी काम करता हूँ जिनको धक्का मार के लेके आना पड़ता है जिम, बॉस उठो जल्दी उठो लेट्स गो टू द जिम, बट आई थिंक एज लॉन्ग एज यू कैन ब्रिंग समवन टू द जिम एंड यू कैन गिव हिम सम काइंड ऑफ फिटनेस टिप्स, आई थिंक देन यू योर जॉब इज डन। सर, आपकी इतनी अच्छी बॉडी है, इतनी अच्छी हाइट है, लेकिन नॉन वेज आप नहीं खाते हैं, लेकिन तो क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि नॉनवेज खाया जाए, और जैसी आपकी बॉडी है जिस तरह की है? तो देखिए, इम्पोर्टेंट ये है कि इम्पोर्टेंट नहीं कि आप वेजिटेरियन खाते हैं नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कब खाते हैं और कितना खाते हैं और कितना सही खाते हैं। यू नो, मिस्टर वर्ल्ड भी जो है वेजिटेरियन रहे हैं, तो लोगों का उम्मीद है कि सिर्फ नॉनवेज खा के आप बॉडी बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सही खाएंगे और सही समय पे खाएंगे तो आई थिंक स्टिल यू कैन रिमेन फिट। देखिए, सप्लीमेंट्स और मेडिसिन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सप्लीमेंट्स जो हैं वो क्या खाते हैं, आजकल इतने तरह के सप्लीमेंट्स मिलते हैं और इतनी तरह का लोग बताते हैं कि मैं कई बार जिम में वर्कआउट करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ कोई लोग सही नहीं ले रहे हैं या कुछ शॉर्टकट का रास्ता भी अपना रहे, तो मैं हमेशा जाके, चाहे मैं जानता ना हूँ तो भी उनको जाके बोलता हूँ कि बॉस समय दो, जो चीज़ को जितना समय चाहिए उतना ही समय लगेगा बनने में, आप उसको शॉर्टकट मत पकड़ो। सो अवेयरनेस सबको है, पर ये आपके ऊपर तय है कि आप कितनी जल्दी वो सफ़र तय करना चाहते हो। बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी ऑलवेज विन द रेस, तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप सही सप्लीमेंट्स खाएं, वो सही वो सब चीज़ें खाएं जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, हार्मफुल ना हो। सो आई थिंक हर चीज़ के बारे में अवेयरनेस है और दैट्स व्हाई वी आर स्टैंडिंग हियर। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की आप बातें करें, हर चीज़ आपको वो सही मिलेगी जो आपकी बॉडी के लिए चाहिए, और फिर आप चूज़ करें और आपको रिजल्ट्स खुद ब खुद मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन इंडिया कैंपेन है जो आ रही है जिसमें आप आए हैं जी, आप क्या देखते हैं कि इसका जो पॉजिटिव रिस्पांस यहाँ से जो आज ये मैसेज अवेयरनेस का स्टार्ट हुआ है कि कितनी आगे तक जाएगा, और आपको कितनी इससे आशा है और आपको कितनी आज खुशी हो रही है यहाँ पर आके, वो हम जानते। देखिए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मीनू हर तरह के मैं लोगों से मिला हूँ, सीखने को आज बहुत कुछ मिला है। मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ कि फिटनेस एक ऐसी जर्नी है जिसको चलते ही जाना है, रुक नहीं सकते। जिस तरह आप एक ट्रेडमिल पे खड़े होते हैं, जब तक ट्रेडमिल चलती रहेगी आपको चलना है, जब आप खड़े होंगे तो आप गिर जाएंगे। तो फिटनेस की ऐसी जर्नी है कि जिसको आप ये नहीं बोल सकते कि यार मैंने 2 साल एक्सरसाइज किया, मैं फिट हो गया हूँ, आज के बाद एक्सरसाइज नहीं करूँगा, उस 2 साल के बाद और 20 साल की जर्नी शुरू होगी। सो आई थिंक अगर आप इस जर्नी का जो यू नो दौर है, इसके अंदर आप चलते रहेंगे, लोगों को जोड़ते रहेंगे, इंस्पायर करते रहेंगे, सो आई थिंक बड़ा हसीन सफ़र रहेगा और यू नो अच्छा ही रहेगा हमेशा।